नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत चीन सीमा पर चमोली के सुमना क्षेत्र में हिमस्खलन की चपेट में आकर 8 लोगों की मौत, 391 मजदूरों को सुरक्षित निकाला, राहत बचाव कार्य जारी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया क्षेत्र का निरीक्षण। पंचायत दिवस पर उत्तराखंड की 10 पंचायतों को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और पिथौरागढ़ की पंचायतों को किया पुरस्कृत। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश की में कोविड स्थिति की समीक्षा की। दवाओं की कालाबाजारी की शिकायतों पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मई में कोविड टीकाकरण बड़े पैमाने पर करने को कहा। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज भी कई जगह बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। तापमान में आई गिरावट। बागेश्वर में खेतों में खड़ी फसल को पहुंचा नुकसान। और अब समाचार विस्तार से। भारत चीन सीमा पर चमोली के सुमना क्षेत्र में बीती शाम हिमस्खलन की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई है। बीआरओ के साथ घायल मजदूरों को रेस्क्यू कर हेली से आर्मी अस्पताल जोशीमठ में भर्ती कर दिया गया है। 391 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। एसडीआरएफ और बीआरओ के साथ स्थानीय प्रशासन की टीम रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। पिछले 5 दिनों से क्षेत्र में लगातार बर्फबारी हो रही थी। सुमना में हुए हिमस्खलन क्षेत्र में सीमा सड़क संगठन के 400 श्रमिक कार्य कर रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम जोशीमठ पहुंच गई। जोशीमठ से सुमना ग्लेशियर करीब 94 किलोमीटर दूर है। चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि शुक्रवार रात से ही राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया था। 2 शव कल रात बरामद किए गए थे, जबकि 6 आज सुबह बरामद किए गए हैं। हमारे संवाददाता शेखर रावत ने बताया है कि एक घायल को मिलिट्री हॉस्पिटल जोशीमठ से मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून रेफर किया गया है। आर्मी की जो टीम है वो वहाँ पे लगातार कल रात से ही रेस्क्यू का काम कर रही है और अभी भी वहाँ पे रेस्क्यू चल ही रहा है। और वहाँ के 6 डेड बॉडीज इस समय और 2 कल रात में वहाँ से रिकवर हो चुकी है और बाकी अभी रेस्क्यू का काम चल ही रहा है। और बीआरओ के भी हम लोग संपर्क में, बीआरओ की टीम लगभग 6 किलोमीटर पहले तक पहुँच चुकी है इंसिडेंट के, और अभी रोड क्लियरेंस का काम भी साथ साथ चल रहा है और रेस्क्यू का काम भी साथ साथ चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी क्षेत्र का हवाई दौरा किया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घटना की जानकारी दे दी गई है। तत्काल एनडीआरएफ की टीम को मदद के लिए रवाना किया गया, लेकिन बहुत अधिक बर्फबारी के चलते सड़क मार्ग बाधित हो गया है। तत्काल हमने एनडीआरएफ और जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी के साथ में तत्काल जुटा और साथ में ही माननीय साजी गृह मंत्री जी ने कहा कि जो भी आवश्यकता हो हम तुरंत एक्शन ले रहे हैं और आईटीबी भी बिहार हो सभी आर्मी को पूरी तरह सचेत किया। तेज़ी से रेस्क्यू हुआ है और आज सुबह ही मौसम जैसे सब तो सीधे उस क्षेत्र में होकर के आ रहे हैं। आपके पूरा देखा वहाँ जगह जगह रोड़े ध्वस्त हैं। बीआरओ अभी काम पे लगी है लेकिन उनकी कनेक्टिविटी टूटी हुई है। बर्फ बहुत ज़्यादा गिरी, मुझे लगता है कि पहली बार इतना बर्फ का गिरना ये हमने देखा है। और एक स्थान में नहीं, कई जगह आपका रोड ब्लॉक है बर्फ से। और देखें अभी ये क्लियर इसलिए नहीं बता सकते कि बीआरओ जगह जगह स्थान स्थान पर काम कर रही होगी और उनकी कनेक्टिविटी टूटी है तो इसलिए वो अभी क्लियर नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें, घटना में आसपास के गांव सुरक्षित हैं। सभी घायलों का उपचार किया जा रहा है। इस आपदा से संबंधित जानकारी के लिए चमोली जिला कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 9068187120 या 7579004644 तथा कार्यालय के टोल फ्री दूरभाष नंबर 01372251437 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रदेश की 10 पंचायतों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया। देश भर से अलग अलग श्रेणियों में कुल 224 पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनमें उत्तराखंड के देहरादून जिले की 4, उत्तरकाशी की 3 और रुद्रप्रयाग, पौड़ी और पिथौरागढ़ की 1-1 पंचायतें शामिल हैं। इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से प्रधानमंत्री ने वर्चुअल तरीके से ये पुरस्कार बांटे हैं। पुरस्कार पाने वाली पंचायतों को 5 लाख से लेकर 50 लाख तक की पुरस्कृत राशि दी गई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पुरस्कार पाने वाले सभी पंचायत प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों के विकास के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। पंचायती राज सचिव हरीश सेमवाल ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के तहत जिला पंचायत पिथौरागढ़ को पुरस्कृत किया गया है, जबकि क्षेत्र पंचायत की श्रेणी में रुद्रप्रयाग के जखोली और पौड़ी के द्वारीखाल को पुरस्कृत किया गया है। ग्राम पंचायतों की श्रेणी में देहरादून के डोईवाला ब्लॉक के सिमलास ग्रांट और सहसपुर ब्लॉक के पुरोहितवाला को पुरस्कृत किया गया है। उत्तरकाशी के पुरोला के माथ गांव और मोरी के दवजानी गांव को पुरस्कार मिला है। उत्तरकाशी के नौगांव की दिवादी ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कृत दिया गया है। देहरादून के सहसपुर के बादमावाला ग्राम पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार मिला है। पौड़ी की क्षेत्र पंचायत द्वारीखाल को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। क्षेत्र पंचायत प्रमुख महेंद्र सिंह राणा को जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने ये पुरस्कार दिया। महेंद्र सिंह ने कहा कि महिला समूहों को मजबूत बनाने से लेकर मनरेगा के तहत कार्य कराने जैसी जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी निभाया है, जिससे पंचायत पुरस्कार के लिए उनकी क्षेत्र पंचायत को चुना गया है। हर लेवल पर काम होता है, जैसे ग्राउंड लेवल में महिला समूह है उनको मजबूत किया हमने, जो हमारे मनरेगा के काम थे उनको मजबूत किया, मुर्गी बाड़ा गौशालाएँ खेतों में काम कराना, और उसके बाद जो हमारे जो प्रोसीजर है ऑफिस का ब्लॉक का पूरा उस तरीके से हर एंगल पर काम होता है। स्टेट की टीम आती है इस पर, और हमें जैसे जिले से भी DPRO साहब बता रहे थे कि 9 ब्लॉकों की लिस्ट गई थी, 9 ब्लॉकों में फिर छंटनी हुई 3 ब्लॉकों की, हमारे जिले की बात कर रहा हूँ मैं, और जिले में फिर हमें भारत सरकार की टीम आई, उन्होंने फाइनल किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने 56 राजस्व गांवों के 1089 लाभार्थियों को आज स्वामित्व कार्ड भी उपलब्ध कराए। गांव में रहने वाले लोगों की खेती और मकान सभी तरह की संपत्ति का ब्यौरा स्वामित्व कार्ड में उपलब्ध है, इससे ग्रामीणों को उनकी रिहायशी जमीन की संपत्ति का अधिकार मिल सकेगा। जो है हमने स्वामित्व योजना के अंतर्गत 1000 से अधिक लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड का भी वितरण किया है। साथ में हमारे जितने भी विकास खंड हैं, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि जिस तरीके से आज द्वारीखाल विकास खंड ने अपना अच्छा कार्य किया है और उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है, सभी विकास खंड अच्छे कार्य के प्रति अपना योगदान करें और भविष्य में उनको भी पुरस्कार प्राप्त हो। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज प्रदेश में कोविड स्थिति की समीक्षा की। कोविड की दवा की कालाबाजारी की शिकायतों पर उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों को उपलब्ध कराई गई रेमडेसिविर की मात्रा और तय दर सार्वजनिक करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को आगामी 15 दिनों के लिए कोविड से निपटने का प्लान तैयार करने को कहा। उन्होंने स्थिति के लिहाज से अस्पतालों में ऑक्सीजन, ICU और जरूरी दवाओं जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर सबसे अधिक ध्यान देना होगा। उन्होंने कोविड से जुड़ी जानकारियों के लिए एक प्रभावी सेंट्रल कंट्रोल रूम तैयार करने को कहा, जहां लोगों को अस्पतालों में उपलब्ध बेड की जानकारी मिल सके। मुख्यमंत्री ने दून अस्पताल की व्यवस्था पर खास ध्यान देने को कहा। साथ ही टेस्ट के लिए सैंपल लेते समय ही दवाई भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पतालों में पुलिस व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा। मई से राज्यव्यापी टीकाकरण अभियान संचालित किया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी पुख्ता तैयारियां कर ली जाएं। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कैंप अप्रोच पर टीकाकरण की व्यवस्था की जाए। उन्होंने राज्य की सीमा पर सख्त चेकिंग के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के बाहर से बिना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के किसी को भी न आने दिया जाए। राज्य के प्रवासी लोगों के लिए भी रजिस्ट्रेशन जरूरी हो, उन्हें सीधे उनके घर भेजकर होम आइसोलेशन में रखा जाए। होम आइसोलेशन के नियमों के पालन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधानों का सहयोग लिया जाए। इसके लिए ग्राम प्रधानों को समुचित धनराशि उपलब्ध कराने और पुलिस को सहयोग देने के भी निर्देश दिए।
राज्य में 21 अप्रैल से बारिश और बर्फबारी का दौर चल रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। आज भी पर्वतीय जिलों में कई जगह बारिश और बर्फबारी हुई। बागेश्वर में लगातार हो रही बारिश से जंगलों की आग बुझ गई है। वहीं पिंडर घाटी में द्वाली, बेलूनी टॉप, जातूली समेत कई जगहों पर हिमपात हो रहा है। बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। जिला आपदा अधिकारी शिखा सुयाल ने बताया कि मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। देखिए, हमारे पास मौसम विभाग से जो अलर्ट आया है उसमें उन्होंने कल के लिए भी बताया था, अभी लगातार 5 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट बता रखा है। और अभी जनपद में भी आप लगातार देख रहे हैं कि हल्की हल्की बारिश हो भी रही है। कपकोट हमारे जो एरिया है वहाँ पे जो ऊपरी ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पे हल्की बर्फबारी की भी सूचना प्राप्त हुई है। तो फिलहाल अभी हमने सभी तहसीलों को, थानों को भी अलर्ट कर रखा है कि कहीं भी कोई ऐसी घटना घटित होती है, कोई सूचना कहीं से भी प्राप्त होती है तो उसमें तुरंत जो है आपदा कंट्रोल रूम में या निकटवर्ती थाने में, तहसील में अवगत कराएंगे ताकि जो है टीम जो है तुरंत वहाँ रिस्पॉन्स कर सके। बारिश से खेतों में खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। बागेश्वर के मुख्य कृषि अधिकारी वीके मौर्य ने बताया कि जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत बीमा कराया है उनकी फसल को हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा। तो उसके लिए नुकसान है, जो खड़ी फसल है तो उसमें तो ज़्यादा नुकसान नहीं है, अगर ओलावृष्टि अगर कहीं हुई होगी तो उससे नुकसान हो सकता है, जिसका हम सर्वे अपने ब्लॉक प्रभारी और न्याय पंचायत प्रभारियों से करा रहे हैं, निर्देश उनको दिया जा चुका है, वो कर भी रहे हैं। तो उसमें नुकसान हो सकता है, कोई अगर गेहूँ की फसल काट के अगर खेत में फैलाया होगा तो उसका भी थोड़ा नुकसान हो सकता है। उसमें तो सर्वे कराया जा रहा है, जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिन्होंने बीमा करा रखा है तो उनको उससे फ़ायदा होगा, जो भी अगर नुकसान होता है तो उसका सर्वे करा के उनको मुआवजा दिया जाएगा। वहीं चंपावत में आलू की फसल की तैयारी कर रहे किसान इस बारिश से खुश नजर आए। बस समय से बारिश नहीं थी, 2-3 दिन पहले से थोड़ी हल्की बारिश हुई थी और जो है कल आज सुबह जो अच्छी बारिश हुई इससे हमारे आलू के लिए या सब्जी वब्जी लगाने के लिए बहुत फायदा हुआ है। हम जो है अब सब्जी भी लगा सकते हैं, आलू के लिए तो हमारे बहुत ही बढ़िया हुआ है। आलू बुआई के लिए अच्छा हो रहा है, अब 7-8 महीने से तो बारिश नहीं हुई, 2-3 दिन से बारिश हो रही है तो अच्छा ही हो रहा है। आलू के लिए अच्छी बारिश हो रही है, और 1-2 दिन और हो जाए तो फिर तो और ही अच्छा हो जाएगा। अल्मोड़ा में भी आज कई हिस्सों में बारिश हुई। पिछले 3 दिनों से लगातार वर्षा होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। चमोली में ऊंचाई वाले क्षेत्रों बद्रीनाथ, हेमकुंड, फूलों की घाटी, औली, रूपकुंड, रुद्रनाथ और बेदनी बुग्याल में बर्फबारी हो रही है। हालांकि मैदानी जिलों में आज बारिश से राहत मिली है। पौड़ी गढ़वाल में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। यहां पर्वतीय क्षेत्रों का मुख्य प्रवेश द्वार कोटद्वार में प्रशासन ने बाहर से आने वाले लोगों के सैंपलिंग की गति को बढ़ा दिया है। सभी बसों और कारों की सघनता से चेकिंग की जा रही है। पौड़ी की अपर पुलिस अधीक्षक मनीषा जोशी ने बताया कि बाहर से आ रहे जिन यात्रियों के पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। लगातार जारी है आरटीपीसीआर के, जो भी बाहर दूसरी जगह से आ रहे हैं, स्टेट से आ रहे हैं, उनके आरटीपीसीआर नेगेटिव होने पर ही हम उनको एंट्री दे रहे हैं। अदरवाइज टीम्स डॉक्टर्स की भी लगी हुई हैं बैरियर पे जो कि चेक कर रहे हैं, रैंडम चेकिंग भी चल रही है, उसके बाद ही उनको एंट्री की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लोगों को कोविड के प्रति जागरूक किया जा रहा है, साथ ही आदेशों का पालन नहीं करने वाले लोगों का चालान भी किया जा रहा है। कोटद्वार नगर निगम भी भीड़भाड़ वाली जगहों पर सैनिटाइजेशन कर रहा है। कोटद्वार के नगर आयुक्त पीएल शाह ने बताया कि जिन जगहों पर संक्रमण के अधिक मामले आ रहे हैं वहां प्राथमिकता के आधार पर सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। तो नगर निगम कोटद्वार की ओर से जो सैनिटाइजेशन का कार्य है और जो अन्य निगम के जो सफाई कार्य हैं जैसे चूना ब्लीचिंग वगैरह करना है, ये पूरे जोरों शोर से चल रहा है और नियमित रूप से चल रहा है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। सबसे पहले प्राथमिकता उन जगहों को दी जा रही है जहां पर कोई पॉजिटिव केस आ रहे हैं। हमारी 4 टीमें शहर क्षेत्र में और जो 4 टीमें जो दूरस्थ क्षेत्र में हैं वो वहाँ पर काम कर रही हैं। हमारी एक ट्रैक्टर ट्रॉली है जिसमें हमने प्रेशर पम्प लगा रखा है, तो जो मेन जो भीड़ भाड़ वाली जगह हैं जहाँ पे लोगों के ज़्यादा आने जाने की संभावना है, लोग आते हैं वहाँ पे, हम उसके द्वारा करवा रहे हैं। हमने 40 मशीनें भी खरीदी हैं और वो जो हमारे कर्मचारी हैं वो ऐसी जगह हैं जहाँ पे कोई पॉजिटिव केस मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड टीकाकरण अभियान भी तेज कर दिया है। कोटद्वार नगर निगम में 4 जगहों पर इस तरह का टीकाकरण किया जा रहा है। आज वैक्सीन लगवाने के बाद स्थानीय निवासी काफी संतुष्ट नजर आए।
मैं हॉस्पिटल में आया और अपने आधार कार्ड की एंट्री कराई, अपने नाम की एंट्री कराई, उसके बाद मुझे स्लिप मिली और मैंने वैक्सीन ली। मैं बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ हूँ और आधे घंटे यहाँ पे इंतज़ार करने के बाद जो है ये है कि अगर बुखार वगैरह आता है तो उसके लिए जो है आप पैरासीटामोल और दवाई लेंगे कोई भी, और ज़्यादा अगर दिक्कत होती है तो फिर संपर्क करेंगे हॉस्पिटल। पौड़ी में 23 अप्रैल तक कोविड 19 के कुल 7,016 पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 5,370 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में इस समय 1,402 एक्टिव केस हैं, जबकि 68 लोगों की मृत्यु हुई है। और उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत चीन सीमा पर चमोली के सुमना क्षेत्र में हिमस्खलन की चपेट में आकर 8 लोगों की मौत, 391 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया, राहत बचाव कार्य जारी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया क्षेत्र का निरीक्षण। पंचायत दिवस पर उत्तराखंड की 10 पंचायतों को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और पिथौरागढ़ की पंचायतों को पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने की प्रदेश में कोविड स्थिति की समीक्षा। दवाओं की कालाबाजारी की शिकायतों पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मई में कोविड टीकाकरण बड़े पैमाने पर करने को कहा। और उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज भी कई जगह बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। तापमान में आई गिरावट, बागेश्वर में खेतों में खड़ी फसल को पहुंचा नुकसान। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DDNews उत्तराखंड, और हमारे यूट्यूब चैनल DDNews उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं, और याद रखें कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है, और याद रखें अपनी बारी आने पर कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसी के साथ बुलेटिन समाप्त हुआ, नमस्कार।